बीते दिनी पिंड सिद्धवां विखे सुखमणी साहब दे गुटका साहब दी बेअदबी करदे होए गुटका साहब दे अंग पाड़ के खाली जगह दे विच खिलार दिते गए सन अते गुटका साहब दे अंग मिलन तो बाद सिख संगतां दे विच काफी रोस दी लहर पाई जा रही सी। इस नूं लै के थाना खालड़ा पुलिस दे वल्लों गुटका साहब दी बेअदबी करन वाले व्यक्ति नूं काबू कर लिया गया है। जिक्र योग है कि बेअदबी करन वाला व्यक्ति भी अमृतधारी निकलिया है। फिलहाल व्यक्ति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया अते पुलिस दे वल्लों हुण उस नूं पट्टी दी अदालत दे विच पेश करके अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खडूर साहब तो आज दी आवाज़ दे लई सुखदेव राज दी रिपोर्ट। हाँ सर, एक जड़ा व्यक्ति गिरफ्तार किया जड़ा पिंड सिद्धवां दो जिन्हें गुटका साहब की बेअदबी की सी। की मामला इत्थे की मैटर है जी इहदा? सर इहना विच 14 15 10 22 नूं ना श्री सुखमी साहब जी दे गुटका साहब दे अंग गुरद्वारा धन धन भाई जेठा जी शहीद दे सामने ग्राउंड विच किले दे पाए के मिले सी, जो इस संबंधी नामलूम व्यक्तियों खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश अमल च लिआंदी सी। जो मुकदमा की तफ्तीश माणयोग एस आई पी सरदार रणजीत सिंह आई पी एस सीनियर कप्तान पुलिस तरनतारन दीआं हदायतां मुताबक श्री विशालजीत सिंह पी पी एस एस पी नशीर तरनतारन श्री प्रीत इंद्र सिंह उप कप्तान पुलिस सबडिवीजन भिक्कीवेट दीआं दिशा निर्देशां हेठ मन एस आई एस एच ओ अते ए एस आई करमजीत सिंह थाणा खालड़ा वालों सचे ढंग अमल च लिआंदी गई। दौरान तो यह पाया गया कि जसकरन सिंह पुत्र सुरमक सिंह वासी लद्दूवाला वल लद्दूवाला ताड़ थाना बैरू के जिला फाजिलका जिसके परिवार का पिछला पिंड सिद्धवां जो करीब 4-5 महीने तो गुरद्वारा धन धन भाई जेठा जी शहीद विखे सेवा करता रहा, जिसनों टैक्नीकल आधार से सी सी टैम कैमरिया की फुटेज नाचन उपरंत मुकदमा उक्त दोषी नामजद करके मिती 27-22 बस स्टैंड पिंड नारला थाना खालड़ा तो हस्पताल तक गिरफ्तार किया है। पुछगिछ की गई, दौरान पुछगिछ उसने अपने जुर्म कबूलिया है, जिस अज पेश अदालत किया जा रहा है ते रिमांड हासिल किया जा रहा है। सर एक देखा जा रहा है कि यह भी जिस बंदे ने किया कुछ किया यह भी अमरधारी लग रहा है, बाणा पाया हुआ है, की इन्हें मनिया जी तुहाडे कोल की इन्हें कहा है जुर्म कबूल कर लिया वा अज दा रिमांड लैके ते कारण की रहा जी कद तो इन्हें तैश विच आण के काम किया जी? ਇਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿਛ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਗਏ ਉੱਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜੁਰਮ ਬੋਲਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਪੇਜ ਫੋਲੋ ਕਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖਬਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਈ ਪੇਪਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਮਸਲੇ, ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਖ਼ਬਾਰ।